फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा लीडरशिप एकेडमी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1, जो कि सबसे पहला स्टार्ट आपका है फार्माकोपिया से। तो हम जानेंगे फार्माकोपिया का डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा है व्हाट इज़ फार्माकोपिया, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ। तो सबसे पहला जो मिस्टेक होता है हमारे फार्मेसी स्टूडेंट से, वो ये है कि जैसे जब फार्माकोपिया बोलते हैं ना, फार्माकोपिया, लेकिन लिखते क्या हैं, फार्माकोपोइया। तो स्पेलिंग क्या होती है, तो इसकी स्पेलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए फार, देखिए ना, फार्माकोपोइया, इसको सेगमेंट्स में याद करिए। जैसे फार्मा कर दीजिए, को कर दीजिए और पोइया कर दीजिए, फार्माकोपोइया, ठीक है। स्पेलिंग क्या होगी, PHARMA, फार्मा, COPOEIA, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फार्माकोपिया। इसको बोलते हैं हम फार्माकोपिया, और इसका जो स्पेलिंग होती है फार्माकोपोइया लिखा जाता है। तो फार्माकोपिया होता क्या है, तो आप ये सोचिए जैसे कोई भी कंट्री है जहाँ पे ड्रग्स या फिर रॉ मटेरियल्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस रेडी हो रहे हैं। तो क्या क्या हो गया, एक तो आपका ड्रग्स, रॉ मटेरियल्स और फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस। कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें उस ड्रग की क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में, रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में, और जो फार्मूलेशन बन रहा है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में कि स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट हो। वो स्टैंडर्ड पैरामीटर हर एक कंट्री डिसाइड करता है, और हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना दिया, इसे ड्रग अथॉरिटी बना दिया एग्जांपल के लिए, तो वो क्या करती है, वो फिर स्टैंडर्ड सेट करके अपनी बुक पब्लिश करते हैं और उसको बोलते हैं फार्माकोपिया। अब आती है बात यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए इंडिया, जैसे इंडिया के, इंडिया कंट्री हमारी है, इंडिया की जो फार्माकोपिया बनेगी वो इंडियन फार्माकोपिया होगी, ब्रिटिश का होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स का होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि फार्माकोपिया का मतलब क्या है, ये एक ऐसी बुक होती है जो एक अथॉरिटी के द्वारा, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा जो अथॉरिटी अपॉइंट की गई रहती है, इस्टेब्लिश की गई रहती है, वो पब्लिश करती है। और इस फार्माकोपिया में ड्रग, रॉ मटेरियल्स और जो फार्मूलेशंस बन रहे हैं उनके क्वालिटी क्वांटिटी और उनके पैरामीटर्स यानी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बुक में दिए रहते हैं, यानी एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए हम देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, फार्माकोपोइया लिखते हैं, ठीक है। मैंने इसको ये बोला ना कि आप फार्मा अलग याद रख लीजिए, इसका याद रखने का तरीका ये है कि फार्मा अलग याद रखिए, प्लस को याद रखिए, प्लस पोइया याद रख लीजिए, ठीक है, फार्माकोपोइया। अब आप इजीली याद कर पाएंगे फार्माकोपिया। यहाँ पे भी मार्क्स कट जाते हैं लोगों को फार्माकोपिया की स्पेलिंग नहीं याद होती है। तो फार्माकोपिया इज ए बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू ड्रग्स, डोजेस फॉर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्ट्स, ठीक है। अब देखिए फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय अ कंसर्न्ड अथॉरिटी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाया, ठीक है, और वो अथॉरिटी क्या कर रही है, वो पब्लिश कर रही है किसको, फार्माकोपिया को, ठीक है। अब देखिए फार्माकोपिया सेट्स स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स रिलेटेड टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फार्मूलेशंस, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, आपको इतना जवाब देना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आई पी स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्माकोपिया, BP स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश कब हुआ। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 और एंड इट्स सप्लीमेंट वॉज पब्लिश्ड इन 1960। फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1864 एंड फर्स्ट प्रिंटिंग पब्लिश्ड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया वॉज इन 1820। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा किस डेट में क्या पब्लिश हुआ है, और ये आपका फार्माकोपिया का हो गया। और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, ये फार्माकोपिया के बारे में हो गया कि कौन से फर्स्ट एडिशन कब आया, हम आपको बताएंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या है, इंडियन फार्माकोपियल कमेटी के बारे में, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, लेटेस्ट IP में क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल
फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।